में समय से पोस्टमार्टम नहीं होने पर बीजेपी विधायक ने सीएमओ को लगाई फटकार। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस की बड़ी लापरवाही। कल सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस में शव का अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। समय से पोस्टमार्टम नहीं होने से नाराज बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पहुंचे जिला चिकित्सालय। विधायक ने सीएमओ को कड़ी कार लगाकर सुधर जाने की दी नसीहत, जिसके बाद मचा हड़कंप। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को भी ऐसी लापरवाही पर फोन से दी जानकारी। विधायक के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधायक की नाराजगी से देर रात शुरू हुई शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। विधायक ने पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों को अपने विधानसभा में पोस्टिंग कराने की दी चेतावनी। विधायक ने कहा, मेरे विधानसभा में ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को मिलती है सजा। बैरिया में मुस्लिम युवक की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, युवक के पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे थे विधायक जी। ब्यूरो रिपोर्ट, बलिया, समाचार 24। मुस्लिम मोहम्मद सलीम नाम के लड़के की उसका पोस्टमार्टम होना था और उसका पूरा वो करा दिया गया है, परमिशन हो गई है, पोस्टमार्टम भी चालू हो रहा है और जैसे ही पेपर्स आते हैं पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा। विधायक जी का सीधे तौर से कहना है कि उसको समय से भेजा गया था लेकिन बहुत ज्यादा लापरवाही की गई। उस समय जो वहां पे जिम्मेवार व्यक्ति थे उन्होंने विधायक जी कुछ मांग की है कि उसको कार्रवाई की जाए जांच करके, तो सर आपका क्या एक्शन रहेगा उस बारे में? बिल्कुल जैसा विधायक जी ने कहा है उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उसका स्थानांतरण भी किया जाएगा। उस मामले में मिले नहीं, मैं तो अब आज सीएमओ से ही पोस्टमार्टम करवाता। मैं तो अपने स्वभाव का जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं पूरे प्रशासन को बोल दिया था कि या तो पोस्टमार्टम होगा नहीं तो रात भर यहीं पर बैठना पड़ेगा किसी को। मैं नहीं हिलता, मैं तो भाई स्वभाव से जिद्दी हूँ और किसी के कारुणिक परिस्थिति को देख करके मेरा हृदय फटने लगता है और मैं अपना कष्ट अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करता हूँ करके भेज दिया। और इस गरीब की गाथा, कम से कम कारुणिक गाथा, एक मुस्लिम परिवार का लड़का है, वो अब कैसे उसका परिवार जिएगा, मुझे तो चिंता इस बात की है। और यहाँ पर 4-5 घंटा यहीं पर डिस्टर्ब करना पड़ा, तो वहाँ पर अभी जाकर के घर पर देखना है उन सबों को कि कोई फिर बीमार ना हो जाता तो फिर सीएमओ साहब के फोन मुझे करना पड़ेगा। मैंने वहाँ जहाँ रोटी समस्या है, रोटी समस्या है, ऐसी परिस्थिति है, मैं अब क्या कहूँ, मैं हृदय चीर कर नहीं निकाल सकता। एक मोहम्मद सलीम नाम का लड़का था, 35 वर्षीय लड़का है, 2 बच्चे हैं, पिता यहाँ का अंधा है, माँ भी वृद्धावस्था में है, और भगवान है मालिक, ऊपर वाला मालिक है, कैसे उसका चलाएगा। मैं तो इतना दुखी हूँ आज की, मत पूछो जी। कई घटनाएं पोस्टमार्टम वाले मामले, कई घटनाएं आ गए, अगर इस पे कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उनको फिर ऐसा फिर आगे ऐसा कर सकते, कड़ा एक्शन लिया जाएगा ऊपर क्या। मैं बोला हूँ कि संबंधित जो भी कर्मचारी हो उसको दंडित करने का कम से कम यहाँ से जाएगा। अभी मैं बोला हूँ और जरूर कहूंगा कि उसको बैरिया भेजिए, मैं उसको सुधारूंगा। उन्होंने कहा भी आश्वासन भी दिया है, आश्वासन भी दिया है कि मैं जो जल्लादी किया है उसको कम से कम कुछ ना कुछ दंड दिलवाऊंगा। हमारे अधिकारी यही हैं, मैं इनके व्यवहार से, मैं मुझे दुख था जरूर उनको भी, कुछ थोड़ा समय कठोर शब्द का प्रयोग किया लेकिन मैं मुझे लगा कि इनमें दोष नहीं है, लेकिन प्रशासनिक क्षमता का दुर्बलता भी एक दोष का कारण माना जाता है। तो यही बात है, सुधारा जाएगा, सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू। बलिया के जेल में विचाराधीन कैदी की मौत।